हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ई गवर्नेंस के बारे में। वी अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ ई गवर्नेंस, वी अंडरस्टूड आर डेफिनेशन एंड द डेफिनेशन फ्रॉम काउंसिल ऑफ यूरोप अबाउट ई गवर्नेंस। नेक्स्ट पार्ट जिस पे हम जाना चाहते हैं ई गवर्नेंस में, हमने फोर ब्रॉड स्टेजेस पढ़े, ये हम ऐसे लिख देते हैं, फोर ब्रॉड स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा that was objectives of e-governance, what are the objectives, then we understood the examples, we understood seven examples of e-governance, all right, MCA 21, e-district, e-office, and uske baad e-court, e-seva, khazane, and finally bhumi project. नाउ अब हम आते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए फ्रॉम ई गवर्नेंस परस्पेक्टिव, बिकॉज दिस वॉज द प्रोजेक्ट और दिस वॉज समथिंग दैट दैट मेड और लेड ह्यूज एम्फेसिस ऑन ई क्रांति एंड ई गवर्नेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल इंडिया के नाइन पिलर्स थे जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए। नाइन पिलर्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहला था ब्रॉडबैंड, तो सबके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, ये इनका पिलर था। सेकंड था पब्लिक इंटरनेट लाना। थर्ड इनका जो इनिशिएटिव था वो था अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। फोर्थ जो इसमें चीज आई थी वो थी यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। फिफ्थ इनका मेजर था आईटी फॉर जॉब्स, राइट। सिक्स्थ जो था वो था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, दैट वॉज ई, आई एम गोइंग टू राइट दिस विद अ डिफरेंट कलर, ई क्रांति। सेवेंथ वन वॉज ई गवर्नेंस। देन फाइनली एट्थ वॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th. Where have we missed? Broadband, public internet, early harvest, universal access, 1, 2, 4, 5, 6th is 1, 2, 3, kahan ho rahi gadbad? Universal access to information is 5th, 1, 2, 3, public interest is 2nd, information, alright, yes, information for everyone. And ninth and the final one is electronic manufacturing. E-manufacturing. All right. So basically, जो various initiatives government लिए under Digital India project वो थे My Government, My Gov जो इनका portal है. Second is digital locker जिसके अंदर सारे documents रखे जा सकते हैं. Third is e-hospital. That is online registration framework. Fourth is National Scholarship Portal, NSP. Fifth is Darpan. Sixth is Pragati. Pragati is proactive governance and timely implementation. Sixth, seventh part hai Common Services Center, CSC 2.0. Eighth hai Mobile Seva and ninth hai Jeevan Praman. Ninth, एंड और भी चीज़ें हैं इसमें, येस, टेंथ एंड इलेवेंथ। टेंथ इज़ नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनकॉग, एंड इलेवेंथ है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP। हम लास्ट से शुरू करते हैं, इलेवेंथ चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इसके अंदर डिजिटल इंडिया के अंदर 11 चीज़ें हैं। सो इसके लिए अगर हमें नोट्स बनाने हैं तो हम इसको, येस, ऑल राइट। सो डिजिटल इंडिया अगर हम यहाँ पे लिखें तो सबसे पहली चीज़ जो डिजिटल इंडिया में थी वो थी माय गवर्नमेंट, जो पोर्टल था गवर्नमेंट का, एम्स टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, G2C, ऑल राइट। नाउ G2C में उसके बाद एनकरेजेस सिटीजन्स एज वेल एज पीपल एब्रॉड to participate in various activities, that is do, discuss, poll, talk and blog. So basically isme activities by the government,
टू मेक सिटीजन्स मतलब G2C वाले कैटेगरी मोर अवेयर अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड द प्लान्ड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट थिंग जो इसमें आती है, नेक्स्ट पार्ट ई गवर्नेंस के बाद, डिजिटल लॉकर। डिजी लॉकर के अंदर आपका प्लेटफॉर्म टू एनेबल सिटीजन्स टू सिक्योरली स्टोर एंड शेयर देयर डॉक्यूमेंट्स विद सर्विस प्रोवाइडर्स हु कैन डायरेक्टली एक्सेस देम इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि इससे एक लिमिटेशन भी जनरेट होती है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द लिमिटेशंस। नेक्स्ट पार्ट है नेशनल हॉस्पिटल, सो ORF स्कीम जो है फॉर हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर में फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट द पेशेंट्स टू टेक ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट्स विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सो ऑनलाइन OPD के अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं आप यूजिंग ORF, दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज नेशनल स्कॉलरशिप, सो हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर के डोमेन में हो गया, एजुकेशन के डोमेन में गवर्नमेंट ने किया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इट प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स अंडर एनी स्कॉलरशिप स्कीम। सो डिसबर्समेंट लिख सकते हैं हम इसमें, डिसबर्समेंट मतलब देना लोगों को, बच्चों को, डिसबर्समेंट एंड एप्लीकेशन भी बच्चे इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग जो हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में वो है, सो एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर के लिए ORF हो गया, माई गवर्नेंस गवर्नमेंट्स नॉर्मल स्कीम हो गया गवर्नमेंट की, डिजिटल लॉकर इज क्लाउड सर्विस हो गई गवर्नमेंट की। नेक्स्ट इसमें आता है प्रगति एंड दर्पण। सो प्रगति प्रगति जो स्कीम है, ऑनलाइन टूल दैट कैन बी यूज टू मॉनिटर एंड एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टेट। सो मतलब बेसिकली मॉनिटर के लिए प्रगति यूज हो सकता है। इट फैसिलिटेट्स प्रेजेंटेशन ऑफ रियल टाइम डेटा ऑन KPIs, कैसे KPIs पे मतलब काम कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है उस पर भी आपको पता चल सकता है। सिलेक्टेड स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड टू सीनियर फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली प्रगति इज़ फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए, राइट। सो दिस इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दर्पण। जो दर्पण स्कीम है, दर्पण इज फॉर ऑनलाइन टूल, ओ सॉरी, दर्पण इज ऑनलाइन टूल फॉर द स्टेट्स एंड आई करेक्ट दिस वन हियर। सो बेसिकली दर्पण इज फॉर स्टेट मॉनिटरिंग सर्विसेज एंड प्रगति, जो प्रगति है दैट इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इट हैज़ बीन एम्ड एट स्टार्टिंग अ कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस। प्रगति इज फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रो एक्टिव गवर्नेंस, ऑल राइट, परफेक्ट। प्रोएक्टिव गवर्नेंस फॉर ब्रिंगिंग ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी विद रियल टाइम प्रेजेंस। सो ई अकाउंटेबिलिटी एंड ई ट्रांसपेरेंसी किससे, प्रगति से, दैट इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रगति पूरा उसी का एक्रोनिम है। देन इज कॉमन सर्विसेज सेंटर 2.0, CSC 2.0। इसमें क्या है, इट इज़ टू इम्प्लीमेंटेड एंड डेवलप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। रूरल एरियाज के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाना। आर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कियोस्क विद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट सोशल सर्विसेज एट डोर स्टेप ऑफ सिटीजन्स। तो किया कैसे जाएगा, ये कियोस्क सेटअप करेंगे हम रूरल एरियाज में, जिनके अंदर बेसिक सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी रूरल एरियाज में लोगों को।
दिस इज़ वॉट प्रगति स्कीम वॉज, दिस इज़ वॉट सी एस सी स्कीम वॉज, CSE 2.0. दैट इज मोबाइल सेवा इज प्रोवाइड्स गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स. जीवन प्रमाण आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर पेंशनर्स. तो यहाँ पे हम जो लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्कीम, ये है जीवन प्रधान. जीवन प्रधान वाली जो स्कीम है, इट इज क्योंकि ऑथेंटिकेशन करना होगा, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर पेंशनर्स. ऑलराइट, सिस्टम ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विदाउट द नेसेसिटी ऑफ पेंशनर बीइंग प्रेजेंट इन पर्सन बिफोर हिज पेंशन डिस्पेंसिंग अथॉरिटी. PDA पेंशन डिस्पेंसिंग अथॉरिटी के सामने ना प्रेजेंट होने की ज़रूरत पड़ेगी उसे, बट ऑनलाइन ही उसे पेंशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा. नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स NCOG अंडर दिस प्रोजेक्ट जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग कोलैबोरेशन लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स. सो बेसिकली इसके अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स NCOG के अंदर जियो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब जो ज्योग्राफी कल इंडिकेशन एंड ज्योग्राफिकल नॉलेज है दैट इज टू बी डन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स फॉर डिपार्टमेंट्स हैज बीन डेवलप्ड. नेक्स्ट इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP. हम इसको यहाँ पे ही आरो करके लिख लेते हैं NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0, क्योंकि पहला वाला जो था 2006 में आया था, बट लेटर इट वॉज इंटीग्रेटेड इन टू डिजिटल इंडिया. NEGP को ही हम डिजिटल इंडिया कहते हैं. NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसके अंदर ई क्रांति भी था. सो NEGP टेक्स होलिस्टिक व्यू ऑफ गवर्नेंस इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्री इंटीग्रेटिंग देम इन टू कलेक्टिव विजन एंड अ शेयर्ड कॉज. इट कम्प्राइज 31 मिशन मोड. सो इसके अंदर 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं MMP, एंड पहली बार ये 2006 में आया था, बट रिवैम करके हमने 2015 में इसको डिजिटल इंडिया के साथ लॉन्च किया था. सो दिस वॉज इट. ऑल राइट, एंड येस परफेक्ट. सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the limitations and challenges, and finally the better things that are going to come, the outcomes and the benefits of e-governance. All right, hope you like the video. Do share and subscribe the channel if you liked it, and do write in the comment section if you have any recommendations for us. We are on e-governance chapter, and we have done the definition, we have done the four broad stages that were present e-governance mein, India ko e-governance lane mein. Humne e-governance ke objectives padhe, humne examples padhe, 7 examples, Bhumi, Kranti, Khajana, e-seva, e-courts, e-district, e-office. Humne 9 pillars of digital India padhe, जिसके अंदर ई क्रांति एंड ई गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट है. देन हमने डिजिटल इंडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं. 11 एस्पेक्ट्स टोटल हैं, जिसके अंदर NEGP बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण, प्रगति, CSE 2.0, जीवन प्रधान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन प्रधान नहीं है, जीवन प्रमाण है, इसको ठीक कर लेना. राइट, इसके अंदर देन डिजिटल लॉकर पढ़ा हमने, माई गवर्नेंस पढ़ा जिससे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इंक्रीज करना चाहती है गवर्नमेंट. हमने हेल्थ केयर के अंदर ORF पढ़ा. ORF क्या था? ORF था आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क फॉर अपॉइंटमेंट्स, बुकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन, OPD अपॉइंटमेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. देन हमने एजुकेशन के सेक्टर में NSP पढ़ा, दैट इज NSP वॉज नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल, जिसके अंदर डिसबर्समेंट एंड एप्लीकेशन होगी बच्चों की ऑनलाइन ही फॉर एनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स.
सो दिस वॉज ऑल अंडर डिजिटल इंडिया. दिस वॉज लॉन्च इन 2015 विद NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0, आई एम राइटिंग इट अगेन 2.0. 31 मल्टी मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे इसके अंदर. 2006 में पहली बार आया था बट इतना सक्सेसफुल नहीं था. 2015 में दोबारा आया डिजिटल इंडिया के साथ. अब इसके अंदर ई क्रांति भी इंक्लूडेड है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ई क्रांति पे भी बात कर सकते हैं एंड लिमिटेशंस पे बात करेंगे, चैलेंजेस पे, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस पे बात करेंगे एंड फाइनली कंक्लूजन पे बात करेंगे जो आंसर में आना चाहिए. थैंक यू, होप यू ऑल लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. थैंक यू.